तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। मुझे पता है यार, तुम लोग फिट फाइन गुड स्मार्ट हैंडसम तो तुम हो ही, लेकिन फिट और फाइन थोड़ा कम हो। लेकिन तुम्हारा भाई है ना, तुमको एकदम फिट फाइन करके ही मानेगा। आज हमारा आर्म डे है और तुमको मैंने पहले भी बताया कि एक दिन में अपने बॉडी के एक पार्ट या दो पार्ट को ट्रेन करना है। पूरी बॉडी को ट्रेन करोगे भाई, रिकवरी के लिए तुमको दूसरे दिन आराम करना पड़ जाएगा। पूरी बॉडी एकदम, मतलब मजा नहीं आएगा यार। इसलिए एक दिन में दो एक्सरसाइज या एक एक्सरसाइज करना है और एक पार्ट की, ठीक है। आज हमारा आर्म डे है और सबसे पहले हम करेंगे अपने बाइसेप को ट्रेन, उसके बाद अपने ट्राइसेप को ट्रेन और उसके बाद अपने फोर आर्म्स को। एक मिनट, पहले तुम मेरी फिजिक तो देख लो भाई। ये नहीं मेरी बॉडी, देख लो। घर पे ही वर्कआउट करता हूं, जिम नहीं जाता, ना ही रनिंग करने जाता हूं, लेकिन उसके बाद भी मैंने अपने आप को कितना फिट रखा है। तो यार, तुम भी घर पे अपने आप को फिट रख सकते हो, अपनी बॉडी को एक नंबर का शेप दे सकते हो। कैसे देना है, कौन सी एक्सरसाइज करनी है, वो सब मैं बता रहा हूं ना। बस तुमको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस द बेल आइकन कर देना है ताकि वीडियो जैसे अपलोड हो तुम तक पहुंच जाए, ठीक है। सो गाइस, पहली एक्सरसाइज बारबेल गर्ल। तुम देख सकते हो यार, कितना आराम से तुमको यार ऐसे ही करना है, ठीक है। अगर तुम्हारे पास ऐसा जुगाड़ नहीं है तो तुम यार दो बाल्टी ले लो और उनमें थोड़ी थोड़ी मिट्टी डाल लो, अपने हिसाब से वजन उठा लो जितना तुम वजन उठा सकते हो। और कोशिश करिएगा कि 12 रैप से 15 रैप या 20 रैप तक तुम जाओ और 4 सेट इसके लगाने, ठीक है। 4 सेट लगाने हैं और 12 से 15 या 20 के आसपास लेने, और कोशिश करिएगा एकदम पीक तक जाइए। पीक का मतलब कि जब तक तुम्हारे हाथ में दर्द ना होने लगे भाई, एकदम दर्द से तुम्हारा हाथ काम करना बंद ना करे, तब तक तुमको रुकना नहीं है, तुमको एक्सरसाइज करते रहना। और तुम देख सकते हो कितने आराम से मैं नीचे जा रहा हूँ अपने हाथों को लेकर, और अपने हाथों को नीचे से ऊपर ला रहा हूँ एकदम आराम से। तुमको भी एकदम करना है और अपनी बॉडी को कंट्रोल में रखना, ठीक है। अपनी बॉडी को ज़्यादा सेक नहीं करना है, हिलाना नहीं अपनी बॉडी को, और तुम फील करोगे कि तुम्हारे यार जो बाइसेप्स है ना, उसमें कितना स्ट्रेच आ रहा है, तनाव कितना आ रहा है, माइंड मसल कनेक्शन एकदम परफेक्ट इसमें बनता है। एक्सरसाइज नंबर 2, डंबल गर्ल। भाई ये भी बाइसेप की ही ट्रेनिंग है, ठीक है। बाइसेप की एक्सरसाइज है, आपको देख लो कैसे डंबल उठा लिया, और उसके बाद अगर तुम्हारे पास डंबल नहीं है तो 2 ईंटों का सहारा ले सकते हो। ईंटें भी तुम्हारी वजनदार होती हैं, ठीक है। अगर आपके पास जुगाड़ ना हो तो मैं कहूंगा भाई जुगाड़ कर लो, बना लो यार, अगर तुमको अपने आप को फिट फाइन रखना है तो। देख सकते हो मैं कितने आराम से एक हाथ को ऊपर ले जा रहा हूँ, एक हाथ को नीचे ला रहा हूँ। तो आपको भी बिल्कुल ऐसे ही करना है, ठीक है। जल्दबाजी नहीं, जल्दी जल्दी आपको बिल्कुल नहीं करना। अगर आपने जल्दी जल्दी की तो भाई मजा नहीं आएगा, ठीक है। आप आराम से नीचे ले जाइए, आराम से ऊपर ले जाइए, इसके आपको बहुत अच्छे से बेनिफिट मिलेंगे और आपको रिजल्ट तो भाई एकदम जादू हंस दिखेगा, एकदम मस्त रिजल्ट मिलेगा। आराम से करो यार, ज्यादा लोड मत लीजिए भाई, मैं बता रहा हूँ ना, धीरे धीरे आपको करना है, ठीक है। इसके भी आपको 4 सेट निकालने हैं, 4 सेट निकालने हैं और पीक तक जाना है। 12 से 15 के बीच में रैप रख दो और अपने हिसाब से वजन चूज करना भाई, ठीक है। नहीं तो तुम्हारे हाथ में भी कम, तुम मतलब अभी ज्यादा एथलीट अच्छे नहीं हो, अभी मतलब ज्यादा तुमने प्रैक्टिस नहीं की और तुमने यार पहले दिन ही सोचा कि मैं 20-20 डंबल मार दूं या 50-50 केजी के डंबल मार दूं, तो भाई दूसरे दिन हाथ काम नहीं करेगा और पहले दिन ही तुमको इंजरी हो जाएगी, ठीक है। हाथों में कहीं ना कहीं चोट लग जाएगी। इसलिए अपने अकॉर्डिंग जितनी तुम्हारी क्षमता है उतने का ही बाइसेप के लिए आप डंबल का चूज करिएगा या बारबेल गर्ल का चूज करिएगा और उतना ही वजन उठाइएगा, जिससे रिकवरी तो आपकी 48 घंटे में होगी होगी, लेकिन रिजल्ट भाई गजब का मिलता है। आराम से जितना आराम से करोगे उतना ही बेनिफिट, उतना ही गजब का रिजल्ट आएगा। एक्सरसाइज नंबर 3, ये भी बाइसेप की ही ट्रेनिंग है और ये भाई बहुत ही आसान है। इसको कहते हैं हैमर गर्ल, ठीक है। हैमर ऑफ थॉर ना समझ लो भैया, थॉर का हैमर भैया, हैमर ऑफ गर्ल, ठीक है। उठाओ और देख लो मैं कैसे कर रहा हूँ, आराम से नीचे ले जाओ, नीचे से ऊपर ले जाओ। इसके भी आपको 4 सेट मारने हैं भाई। कितने सेट? 4 सेट मारने हैं और 15 से 20 के बीच में इसको ले जाना है। और वजन मैंने कितनी बार कहा कि अपनी स्ट्रेंथ, ठीक है, जितने तुम्हारी अंदर क्षमता है, जितनी तुम्हारी अंदर ताकत है, उसी हिसाब से तुमको यार डंबल चूज करना है, ठीक है। तुम्हारा वजन भाई 50 के लिए क्या है, तुमने 50 केजी का डंबल भी उठा लिया तो भाई मैं बता रहा हूँ तुमको चोट लगेगी, इंजर्ड हो जाएगा, तुम्हारे हाथ में फ्रैक्चर हो जाएगा, तुम्हारी पैरों में अगर डंबल गिर गया तो भी तुमको प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए सबसे पहले तुमको अपनी स्ट्रेंथ, जितनी तुम्हारी क्षमता है, उस हिसाब से डंबल उठाओ। उसके बाद देख सकते हो मैं कितने आराम से कर रहा हूँ, ठीक है। आपको बिल्कुल ऐसे ही आराम से करना है, जितना आराम से करोगे उतना ही ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। रिकवरी के लिए 48 घंटे आपको वेट करने हैं, क्योंकि देखो यार डेली तुमको बाइसेप की ट्रेनिंग नहीं करनी, 2 दिन बाद, मतलब आज कर लिया कल नहीं करना है, परसों आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि 48 घंटे आपकी बॉडी को रिकवरी के लिए चाहिए ही चाहिए। सो गाइस, एक्सरसाइज नंबर 4, अब हम ट्राइसेप को ट्रेन करेंगे। कैसे करना है, बिल्कुल आसान तरीका है, ठीक है, घर पे ही। अब तुम्हारे पास तो मशीन है नहीं, तो करना क्या है, देखो यार 2 डंबल ले लो, डंबल अपने हाथ से बनाया कि नहीं, नहीं बना तो 2 ईंटें ले लो, ईंटों तो है ना, हाँ तो ईंटें ले लो और देखो मैंने कैसे पकड़ा। अपने हाथों से पकड़ो और हाथों से पकड़ के अपने आप को थोड़ा सा टेपर करो और स्टार्ट हो जाओ।
देख लो ऐसे ही बिल्कुल करना, ज़्यादा झटके नहीं मारने भाई, ठीक है। आराम से नीचे से ऊपर ले जाओ और ऊपर से फिर से नीचे, ऐसे धीरे धीरे करना है, ज़्यादा लोड नहीं देनी है, आराम से करना है। ज़्यादा हार्ड करोगे भाई तो तुम्हारे घुटनों में, मतलब ये जो एल्बो है भाई, कोहनी है, उसमें प्रॉब्लम होगी, इसलिए थोड़ा आराम से करनी है, ठीक है। ज़्यादा हाइपर नहीं होना भाई, आराम से करना, वजन अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग चूज करना है, पसंद करना है, ठीक है। उसको आप डिसाइड कर सकते हो कितना आप वजन आप कैरी कर सकते हो, कितने अच्छे से आप उसको पकड़ के होल्ड करके आराम से। इसके चार सेट, इसके भी चार सेट निकालने हैं आपको, और कम से कम 15 से 20 के बीच में इसके रैप रखना है भाई, ठीक है। और अगर तुम चाहते हो और तुम्हारा जो हाथ वो चौड़ा दिखे, भारी दिखे ना, तो भाई सबसे ज़्यादा गोल, जब सबसे ज़्यादा फोकस अपने आप ट्राइसेप पे करो। ट्राइसेप जितना ही अच्छा ग्रोथ करेगा, आपके हाथ आप उतने ही चौड़े होते जाएंगे, आपकी बाजुएं उतनी ही स्ट्रांग होती जाएंगी, ठीक। एक्सरसाइज नंबर 5, ये भाई फोरआर्म्स की है, ठीक है। आपको बस दो डंबल लेने हैं, डंबल नहीं है तो कोई बात नहीं यार, आपके हाथों में ईंटें तो हो सकती हैं ना, घर में ईंटें हो सकती हैं, उसको उठाओ हाथों में और देख लो मैं कैसे अपने हाथों से डंबल को राउंड कर रहा हूँ, ठीक, घुमा रहा हूँ। बिल्कुल आपको भी ऐसे ही करना है और इसको आपको रिलैक्स करके आराम से चार सेट मारने हैं और जितने देर आप कर सकते हो, ठीक है। इसमें हम आपको रैप नहीं बता सकते, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी जो स्ट्रेंथ है ना, आपकी जो क्षमता है उसी के अकॉर्डिंग आपको करना है, आराम से करना है, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी, आराम से करना है जैसे मैं कर रहा हूँ, धीरे धीरे, और एकदम परफेक्ट चल रहे हो आप, बहुत अच्छा आप कर रहे हो। बिल्कुल ऐसे ही आपको भी करना है जैसे आप कर रहे हो अभी, आराम से करना है, ज़्यादा इसमें हाइपर नहीं होना, क्योंकि भाई देखो यार, जैसे ही आप पेड़ लगाते हो एक दिन में वो फल नहीं देता, वैसे ही जब आप एक्सरसाइज करते हो तो एक दिन में आपकी बॉडी नहीं बनेगी, आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, उसके बाद रिजल्ट भाई एकदम जादू निकल के आएगा, ठीक है। बस यार आराम से ऐसे ही करते रहो, गजब की एक्सरसाइज। मैं बता रहा हूँ, मेरा तो एक घंटा हो गया इतनी एक्सरसाइज करने में, मतलब चार चार सेट सबके किए थे, अब फोर आर्म्स के भी आपको चार सेट करने हैं, इतने ही करने हैं। अब आपको रिलैक्स करना है, एक घंटे हो गए ना भाई, तो एक घंटे आराम से करके उसके बाद तुमको रिलैक्स करना है, और रिलैक्स करने के बाद आधे घंटे रिलैक्स कर लो, उसके बाद क्या खाना है, तो भाई तुम यार प्रोटीन वाली चीज़ें खाओ, ठीक है, जैसे चना हो गया, मूंग की दाल हो गई, सोयाबीन की दाल हो गई, ठीक है, ये सब चीज़ें आप, मूंगफली की दाल हो गई, ये सब चीज़ें खाइए। मांस मछली खाते हैं तो आप उसकी तरफ जा सकते हैं, उसमें अच्छे खासे प्रोटीन होते हैं, और यार ज़्यादा प्रोटीन अगर आप कंज्यूम करेंगे तभी तो यार बॉडी में ग्रोथ नेक्स्ट लेवल की होगी भाई। चीनी से बनी कोई वस्तु नहीं खानी, मतलब मिठाई नहीं खानी, चाट समोसा, नमकीन, चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, ये सब बिल्कुल नहीं खाना, घर का बढ़िया मस्त खाना खाओ। बस यार आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके बता दो यार कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई, फ्री है, पैसे नहीं लगने, एक रुपए नहीं लगते, बस आपकी उंगली ऐसे सब्सक्राइब बटन पे और प्रेस द बेल आइकन, ताकि वीडियो जैसे अपलोड हो तुम तक उसका नोटिफिकेशन पहुंचे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।